वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल गुरु सज्जाद। और आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस की एट चैप्टर। जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे सारे वीडियोस लाइक और शेयर करें। इंडियन नेशनल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट गेव राइज टू अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। इन 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाई ए ओ हुमे। देयर वेर फ्रेजेज ऑफ नरम दल एंड गरम दल। द पिटिशन ऑफ बंगाल इन 1905 गेव राइज टू अ स्ट्रॉन्ग नेशनल मूवमेंट। The non-corporation movement, civil disobedience, and finally the Quit India movement resulted in the independence of India and of course its partition. द राइज ऑफ रेडिकल नेशनलिस्ट। रेडिकल नेशनलिस्ट वो थे जो वायलेंस में बिलीव करते थे और वो ये सोचते थे कि वायलेंस से हम लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज स्पेयरहेड बाय द ट्रियो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। दे वर फेमसली नोन एज लाल बाल एंड पाल। द मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू फेज इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। They represented the Garam Dal in 1907. The Garam Dal led by Gopal Krishna Golke and Naram Dal separated. In 1916, both Garam Dal and Naram Dal united with the efforts of Mrs. Annie Besant. तो क्या हुआ था 1960 में, जो हमारी reformer थी Mrs. Annie Besant, उनके कुछ efforts के कारण से ये जो दो अलग अलग units थे Garam Dal and Naram Dal, ये दोनों एक हो गए थे। In 1916, Muslim League and Congress signed the Lucknow Pact. तो Lucknow Pact एक basically agreement signed हुआ था दोनों ही Congress और Muslim Leagues के बीच में कि हम लोग आपसे जो भी करेंगे mutual understanding से करेंगे। और ये act signed हुआ था 1916 में। On 13 April 1919, on the occasion of Baisakhi Fair at Jallianwala Bagh, Amritsar, a British officer, General Dyer, ordered the army to open fire on the crowd with their machine guns. Within a few minutes, about 1,000 people were killed. The massacre aroused the fury of the Indian people. तो basically क्या हुआ था जलियांवाला बाग में, उस टाइम दो reformers थे, ठीक है, या फ्रीडम फाइटर्स थे जिनका नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन एंड डॉक्टर सत्यपाल। तो उन लोगों को उस टाइम अरेस्ट कर लिया था वाइल्ड प्रोटेस्टिंग। तो जितनी भी पंजाब की अमृतसर की जितनी भी जनता थी, तो वो लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए कि उन दोनों को रिलीज कर दिया जाए जो दो नेशनलिस्ट पहले पकड़ाए थे। तो जो जनरल डायर थे, उन्होंने क्या किया, वो बैसाखी का मन था और उस टाइम बैसाखी का मेला भी लगा था, तो उन्होंने क्या किया था, सबको कहा था कि ठीक है तुम लोग जलियांवाला बाग में आओ, हम लोग एक मीटिंग करेंगे। और उन्होंने उन लोगों को वहां बुलाया और उन्होंने क्या किया, उस गार्डन की गेट्स बंद करवा दी और अपने आर्मी से कहा कि कंटिन्यूअस फायरिंग करते रहना जब तक ये सारे लोग मर ना जाए। और मंजर कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ कुएं में कूद रहे थे, कुछ भाग रहे थे, पर गोलियां पड़ रही थी। वो सबसे दर्दनाक मैसेकर था और बहुत ही गंदा हुआ था, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में आग सी लग गई थी कि ऐसा क्यों हुआ। और ये करवाने वाले का नाम था जनरल डायर। Petition of Bengal. In 1905, Curzon announced the Petition of Bengal, an attempt to disrupt the growing national movement in Bengal and divided the Hindu and Muslim of the region. This led rise of the Swadeshi movement. तो ये पहले का हमेशा का शुरू का tactics है कि divide and rule. जिसको भी rule करना है वो हिंदू मुस्लिम में फूट डाल दो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। यही trick अपनाया गया था 1905 में कि Bengal partition कराया गया था, जिसमें से एक जिसकी वजह से एक dispute हो गया था among Hindus and Muslims. Emergence of Gandhi. मोहनदास करमचंद गांधीज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह बिगेन एट चंपारण इन बिहार इन 1917, वेयर ही इंस्पायर्ड द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो मोहनदास करमचंद गांधी जो हमारे नेशनल नेशन फादर है, उन्होंने अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था बाय सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब द पाथ ऑफ ट्रुथ। तो उन्होंने पीजेंट्स को, फार्मर्स को उकसाया और कहा कि तुम अपने जमीन के लिए लड़ो और तुम्हारे ऊपर जो जमीन में बेवजह की खेती हो रही है ऑफ इंडिगो एंड ओपियम, उसे तुम रोको। He launched a nationwide satyagraha against the proposed Royal Act in 1990. The Royal Act ये था कि बिना किसी trial के किसी भी Indians को 2 से 3 साल की सजा सुनाई जा सकती थी। In 1927, Simon Commissioner came to India suggest measures to constitutional reforms. तो in 1927 को Simon Commissioner आ रहे थे और जैसे ही वो Commissioner उतरे थे India पे और अपनी गाड़ी से अपने office की तरफ जा रहे थे, तो सभी ने एक protest शुरू किया जिसका नाम था Simon Go Back. During March, April 1930, Gandhi marched from his Sabarmati ashram to Dundee on the Gujarat coast to challenge the government on the salt law. तो salt law एक ऐसा law निकाला था ब्रिटिशर्स ने, जिसमें कहा गया था कि हम तुम्हारे देश का नमक निकालेंगे और तुम्हें उस नमक के लिए टैक्स पे करना होगा, जिसकी वजह से सारे इंडियंस बहुत गुस्सा हो गए थे कि ये तो नमक तो हमारा ही है, इसके पैसे हम क्यों देंगे। तो इसी के खिलाफ उन्होंने मार्च निकाला था। गांधी वेंट टू लंदन इन 1931 एंड पार्टिसिपेटेड इन अ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बट रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड। तो वो लंदन गए थे फॉर अ मीटिंग, पर वहां से वो खाली हाथ आ गए थे, इसलिए क्योंकि उनका सपोर्ट किसी ने वहां नहीं किया था, सब अपने अपने मतलब के लिए वहां गए थे। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थ्रू दो अ फेलियर वॉज अ वाइटल फेज इन द स्ट्रगल। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भले ही फेल हो गया था, पर एक बहुत अच्छा फेज था इन द स्ट्रगल मूवमेंट। द रिवोल्टनरीज। The reactionary policy of the British developed a deep hatred among a section of the younger generation of India. तो जो इंडिया की यंगर जनरेशन थी, उनके दिल में ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ज्यादा हेट्रेड और नफरत बढ़ गई थी, जो बाद में जाके बहुत काम आई फॉर द इंडिपेंडेंस। एज अ रिजल्ट, यूथ्स वर ट्रेन्ड इन अग्रेसिव मेथड ऑफ वायलेंस एज अ मीन ऑफ स्ट्रेंथ अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो सारे यूथ्स जो अग्रेसिव हो गए थे, गुस्से में थे,
उन्होंने वॉयलेंस का रास्ता चुना था. द डेवलपमेंट ऑफ सोशलिस्ट आइडिया. अ सिग्निफिकेंट फेलियर ऑफ द 20th सेंचुरी वाज द डेवलपमेंट ऑफ सोशलिस्ट आइडिया. द ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस विच वॉज फाउंडेड इन 1920 मोबिलाइज द वर्कर्स फॉर द कॉज ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. तो 1920 में जो कांग्रेस पार्टी फॉर्म हुई थी, अब उनका मेन मकसद उनके वर्कर्स का था कि हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. कोई पॉलिसी नहीं, कोई ये नहीं कि तुम ऐसा करो हम ऐसा करेंगे, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. बिकॉज ऑफ द डिफरेंस विद गांधी, बोस रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस एंड फॉर्म्ड हिज ओन फॉरवर्ड ब्लॉक. तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कुछ डिफरेंस आ गए थे, जिसकी वजह से नेताजी ने एक अपना अलग पार्टी बना लिया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक. द कम्युनल डिवाइड. अंडर द एक्ट 1939 17 सेपरेट इलेक्ट्रेट्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड. दे हैम्पर्ड द ग्रोथ ऑफ नेशनल यूनिटी. द इमीडिएट कॉज ऑफ द इमरजेंस ऑफ द डिमांड फॉर पाकिस्तान वॉज द रिफ्यूजल ऑफ द कांग्रेस टू फॉर्म कॉलोनियल मिनिस्टर्स आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1937. तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से पाकिस्तान अलग हुआ था, बिकॉज ऑफ द फ्यू डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज रिगार्डिंग द इलेक्शन. क्विट इंडिया मूवमेंट एंड आफ्टर. एड्रेसिंग द कांग्रेस डेलीगेट्स ऑन द नाइट ऑफ 8 अगस्त 1942, गांधी जी इन हिज सोल स्ट्रिंग स्पीच सेड, आई देयरफॉर वांट फ्रीडम इमीडिएटली. द मंत्रा इज डू और डाई. तो गांधी जी ने कहा था कि मंत्र अब एक ही है, या तो करो या तो मरो. अब हमें आजादी लेनी है, नहीं तो हम यही जिल्लत की जिंदगी जीकर मर जाएंगे. क्विट इंडिया मूवमेंट बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास मूवमेंट ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. इन 1946 द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया टू फाइंड अ म्यूचुअली अग्रीड सॉल्यूशन ऑफ द इंडियन प्रॉब्लम. तो 1946 में एक कैबिनेट मिशन आया था इंडिया में ब्रिटेन से, जो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में पहुंचा था कि इस सब का सोल्यूशन क्या निकाला जा सकता है. इतने जो रिवॉल्ट्स हो रहे थे, इतने मूवमेंट्स हो रहे थे, सत्याग्रह, स्वदेशी, पुण्य स्वराज, सबका एक एग्रीमेंट करने के लिए वो लोग इंडिया आए थे. और उसी के बाद हमें मिली इंडिपेंडेंस. पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. द मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान इन द मिडल ऑफ 1946. तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, इन द मिडल ऑफ कैबिनेट मिशन, जो मिशन चल रहा था कैबिनेट प्लान्स का, उसके बीच में ही रिजेक्ट कर दिया कि हम इससे सहमति नहीं रखते, हमें हमारा अलग देश दे दो. इन सितंबर 1946 द कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर. द कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड कम्युनल राइट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. लॉर्ड माउंट बेटन वॉज सेंड एज द वाइसरॉय टू इंडिया. ही पुट अप हिज प्लान इन June 1947 विच इंक्लूडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया. तो लॉर्ड माउंट बेटन ही वो थे जिन्होंने ट्रीटी साइन की थी ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. In spite of strong opposition by Gandhi, all the parties agreed to the Partition and Indian Independence Act 1947. तो गांधी जी पटिशन के खिलाफ थे, पर बाकी जो पार्टीज थी उन्होंने कहा नहीं भाई इंडिपेंडेंट ये पटिशन कर दो, वो लोग अपने देश चले जाएंगे, हम लोग यहाँ से सुख चैन से रहेंगे. इट क्रिएटेड टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट इज इंडिया यूनियन एंड पाकिस्तान. India got its independence on 15th August 1947 at the stroke of midnight 14th to 15th August 1947. Transfer of the power took place. तो इसी तरीके से इंडिया को उसकी इंडिपेंडेंस मिली थी बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी जाने दिए थे, बहुत सारे लोग जो बहुत सारे मैसेकर्स में मरे थे, और बहुत सारे लोग के एफर्ट से हमें ये इंडिपेंडेंस आज हासिल हुई है. आज के चैप्टर यहीं खत्म होती है, और क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए.